हमेशा की तरह आपका भाई आपके सामने नई डेस्टिनेशन स्पेशली वीकेंड डेस्टिनेशन लेके आता है। तो इस बार भी नई डेस्टिनेशन टाइटल देख के तो आप सब समझ गए होंगे कि आज हम किस बारे में बात करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले वेलकम ऑल टू माय चैनल। राजस्थान का नाम लेते ही यार दिमाग में ऐसा लगता है कि कितनी गर्मी होगी, सिर्फ सर्दियों में ही वहाँ जाना चाहिए। बट शायद हम इस जगह के बारे में भूल गए इसको राजस्थान का एक इकलौता हिल स्टेशन कहते हैं। यहाँ मानसून से लेके मार्च तक कभी भी जाया जा सकता। अब वीकेंड डेस्टिनेशन है तो ऑब्वियसली आप कभी भी इसको किसी भी वीकेंड पे प्लान करके जा सकते हैं। सबसे अच्छी चीज़ इस जगह की जो मुझे लगी, यहाँ का कल्चर। गुजरात पास होने के नाते ना आपको गुजरात के भाई लोग और राजस्थान के भाई लोग दोनों मिलेंगे। अब जब दोनों टाइप के भाई लोग आपको मिलेंगे तो ऑब्वियसली मिक्स कुजीन मिलना मस्त है। तो आप दोनों टाइप की कुजीन का मजा ले सकते हैं। दूसरी चीज जो सबसे इम्पोर्टेंट है कि वीकेंड की प्लानिंग भाई लोग जब भी करो ना तो पहले से ही बुकिंग कर लेना। बिकॉज आप अगर प्लानिंग ना करके सीधा ऑन द स्पॉट जाओगे तो वीकेंड होने की वजह से वहाँ पे सारी चीज़ें महंगाई हो जाती है। रात के लिए वीकेंड मतलब कि जैसे कि हम फरीदाबाद से दिल्ली आ रहे हैं, दिल्ली से गुड़गांव जा रहे हैं, इस टाइप का कुछ है। तो आप समझ गए होगे, ये सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है। तो आप पहले से ही सारी बुकिंग कर लेना। अगर वीकेंड प्लानिंग कर रहे हो तो भाई लोग जितनी उसकी डिसाइडेड डेस्टिनेशन है जो कि आपको गाइड बता देगा, ठीक है, आपको 25 रुपीज़ लेता है। वो सारी डिटेल्स के लिए आपको मैंने सारे के सारे अपने व्लॉग्स के लिंक डिस्क्रिप्शन में दिए हैं। एक एक करके चेक करो, समझ लेना कहाँ कैसे क्या क्या कितना कितना आपको खर्चा करना है। इन सब का खर्चे का मैंने ओवरव्यू निकाल करके इस वीडियो में दिखाया है जो कि ये रहा। राइट, आशा करता हूँ कि ये सारा एक्सपेंडिचर आप लोगों को एक लमसम हेडसअप दे देगा कि आपका बेयर मिनिमम एक्सपेंस इतना तो रहेगा ही रहेगा, इसके ऊपर पर इंडिविजुअल वो वेरी कर सकता। आशा करता हूँ ये इन्फॉर्मेशन आप लोगों को काम आएगी जब भी आप कभी इस ट्रिप को प्लान करोगे। तो अगर इम्पॉर्टेंट लगे, अच्छी वीडियो लगे तो लाइक कर देना यार, अगली वीडियो बनाने में थोड़ी सी हिम्मत मिलती है। और सब्सक्राइब करना मत भूलना, नेक्स्ट वीडियो आपको टाइमली मिलेगी। और हाँ, इंस्टाग्राम पे भी आप लोग इस चैनल को फॉलो कर सकते हैं, वहाँ भी मैं एक्टिव रहता हूँ। थैंक यू सो मच।